दोस्तों, हमारे शुरुआती दौर से ही दूध का बहुत ही अहम रोल रहा है और इसका सारा श्रेय हमारे यहाँ के डेयरी फार्म को जाता है। हालांकि हमारे देश के डेयरी फार्म गाय भैंसों से दूध भारी मात्रा में निकालने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते थे, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाते। लेकिन वहीं विदेशों के डेयरी फार्म कुछ ऐसी तरकीबें अपनाते हैं जिससे वो रोजाना लाखों करोड़ों की आमदनी करते हैं, और वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। बस आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेयरी मास्टर। दोस्तों, आज भी भारत के डेयरी फार्म में हाथों से दूध निकालने का काम किया जाता है। आपने अपने आसपास कई लोगों को गाय का दूध निकालते हुए भी देखा होगा, लेकिन अब आप जरा यहाँ देखिए कि विदेशों में किस तरह गाय भैंस का दूध निकाला जाता है। सबसे पहले तो इन्हें रिवॉल्विंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ पर खांचे बने रहते हैं। एक खांचे के अंदर एक गाय बड़ी आसानी से फिट हो जाती है और उनके मुंह के आगे चारा रख दिया जाता है, जिसे वो लगातार खाती रहती है। वहीं दूसरी तरफ से एक व्यक्ति इनके थनों में मशीन फिट कर देता है। अब ये मशीन क्या करती है? अब आप ये समझ लीजिए कि ये मशीन गायों के थनों से ऑटोमेटिक दूध निकालने का काम करती है, जिसमें एक पाइप कनेक्ट होता है और फिर दूध इस पाइप से होकर बड़े से सिलेंडर में जमा हो जाता है। इस मशीन को देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई आखिर इसे गोल गोल घुमाया क्यों जाता है? तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जब गाय को इस तरह से गोल गोल घुमाकर दूध निकाला जाता है तो गाय बहुत शांत रहती है, उनका पूरा ध्यान चारे पर होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में दूध देने लगती है। इस मॉडर्न तरीके को आपने समझ लिया है, अब आप ये भी जान लीजिए कि इस प्रोसेस के बैड इफेक्ट क्या है। एक्चुअल में हर गाय के थन में 10 से 15 मिनट के लिए इस मशीन को लगाया जाता है और ये मशीन लगातार दूध निकालने का काम करती है। लेकिन आप जानते हैं कि हर गाय एक सामान्य मात्रा में दूध नहीं देती, कोई 5 लीटर दूध देती है तो कोई 25 लीटर। लेकिन ये मशीन हर गाय के स्तन में एक ही समय के लिए फिट कर दी जाती है। अब होता ये है कि जब 5 लीटर दूध देने वाली गाय का दूध खत्म हो जाता है, तब भी ये मशीन उसके थन में लगी रहती है, जिसके कारण वो मशीन गाय के थन से खून चूसने लगती है और हर रोज इनके साथ ऐसा ही किया जाता है। धीरे धीरे उनके स्तन में घाव बनने लगते हैं और आगे चलकर यही घाव नासूर बन जाते हैं और फिर उसमें से दूध के साथ पल्स भी आना शुरू हो जाता है, जो दूध में जाकर कई लोगों को बीमार कर सकता है। अब आप हमें बताइए कि भाई किस मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करके ये लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया से इन बेजुबान जानवरों की क्या हालत होती होगी, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। पटूरा मशीन। अब दोस्तों, जरा आप इस मशीन को देख लीजिए, जिसे पटूरा मशीन कहा जाता है। ये मशीन गाय के बछड़ों को दूध पिलाने का काम करती है। इस मशीन के ऊपर एक सिलेंडर बना होता है जिसमें दूध डाल दिया जाता है और दूध निकालने के लिए इसके साइड में बहुत सारे छोटे छोटे निप्पल्स लगा देते हैं। इसके बाद मशीन को गाय के बछड़े के पास रख दिया जाता है। गाय के बछड़े के एक एक करके मशीन में लगे निप्पलों से दूध पीना चालू कर देते हैं। इस तकनीक की वजह से विदेशियों में पल रहे ये बच्चे आज इस मशीन के आदि हो चुके हैं। देखा जाए तो ये तकलीफ काफी शानदार है, लेकिन जिस आर्टिफिशियल तरीके से इन बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। इस तकनीक से बच्चे अपनी माँ से दूर हो जाते हैं, बचपन से ही इस मशीन के द्वारा ही दूध पीते हैं। इन्हें मालूम ही नहीं होता कि माँ के स्तन से दूध कैसे पीना है। वैसे आपको क्या लगता है कि ये टेक्निक सही है या गलत? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। का हूफ सॉल्यूशन। दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं कि जो लंबे समय तक गाय के हूफ यानी कि गाय के खुरों पर ध्यान ना दिया जाए और इसका गंभीरता से इलाज ना किया जाए तो ये समस्या बढ़ने लगती है, और कई बार ये इतनी गंभीर बन जाती है कि गाय के खुर दो टुकड़ों में बटने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मशीन के इस्तेमाल से गायों को नियंत्रण में लेकर खुरों को रिपेयर कर दिया जाता है। असल में ये कई सारे एंगल्स और फ्रेम से मिलकर बनी एक मशीन है जिसमें गाय को फंसाया जाता है। बेस्ट लॉक से लेकर फीट कलरिंग तक सभी सिस्टम का इस्तेमाल करके गाय को हिलने डुलने से रोका जाता है, जिसके बाद आखिर में ये वर्कर इन टूल्स के जरिए इन मवेशियों के खुरों को छील कर अलग कर देते हैं और इस प्रकार मवेशियों के खुर रिपेयर हो जाते हैं। लेली सफायर। आज के समय को देखते हुए सभी फैक्ट्री और फार्मर्स को प्रॉफिट गेन करने के साथ साथ पर्यावरण को बेहतर बनाने के बारे में भी सोचना चाहिए। आज आमतौर पर हमारे देश में इन सभी नियमों को ध्यान में रखकर पशुपालन से जुड़े सभी कामों को अंजाम दिया जाता है, मगर हम आपको बता दें कि अलग अलग देशों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ केवल फार्मिंग से जुड़े हर एक काम के लिए कुछ पैरामीटर और डायरों को सुनिश्चित कर दिया गया है और उन्ही सीमाओं के अंदर रहते इन सभी कामों को सही प्रकार से किया जाता है। अब दोस्तों, बात जहाँ तक लेलिस फायर की है, तो ये मशीन खास तौर पर इन आधुनिक तबेलों में एडवांस और इको फ्रेंडली ढंग से वेस्ट को मैनेज करने के लिए डिक्लाइन किया गया है। दरअसल इस मशीन के इस्तेमाल से इन फार्म में मौजूद वेस्ट बाय प्रोडक्ट जैसे मल, मूत्र, गोबर आदि से ऑर्गेनिक मैनुअल जैविक खाद बनाई जाती है,
वास्तव में इस पूरे आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए लिली मशीनरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लिली सफायर, फार्म लिली फ्लो क्लीनिंग मशीन और सबसे जरूरी लिली सफायर यानी कि इन मैनुअल डिजास्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब कभी भी इन गाय भैंस इन आधुनिक मशीनों के फर्श पर मलमूत्र करती हैं, तो वो स्पेशल फ्लोर में बने छोटे छोटे पोर्सेस से होते हुए नीचे की ओर चला जाता है, जिसके बाद लिली सफायर में लगे वेंटिलेटिंग के जरिए अंदर की ओर खींचा जाता है। फ्लो लेवल के अंदर ही अंदर ये काम लगातार चलता रहता है और ये किसी को दिखता भी नहीं है। ये लिली सफायर जो कि मैनुअल डिजास्टर होता है, वो केमिकल कॉम्बिनेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन जैविक खाद बनाकर तैयार कर देता है, जिसे समय समय पर खेतों में डालकर पैदावार को कई गुना तक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काउ डिहॉर्निंग। दोस्तों, समय समय पर गायों के बढ़े हुए हॉर्न्स यानी कि सींगों को काटना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो गाय बेहद आक्रामक रूप ले सकती है और एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकती है, और इसी वजह से इस बेहतरीन टेक्निक को लाया गया। वैसे ये एक केसिंग मशीन है। दरअसल जब कभी भी गाय के सींगों को काटना होता है तो उसे इस केस के बीच में फंसा दिया जाता है, ताकि सींगों को काटते वक्त वो जरा भी ना हिले डुले। और उसके बाद ये है फार्म मास्टर्स अपने कैंची से एक एक करके गायों के बड़े और नुकीले सींगों को लगातार काटते रहते हैं। वहीं दोस्तों, कुछ फार्म में इस टेक्निक से कुछ हटकर एक डिहॉर्निंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां सबसे पहले गायों को यहां के वर्कर्स के द्वारा इन केसेस के बीच में लाकर फंसा दिया जाता है, और फिर एक वर्कर इस नुकीले स्ट्रिंग मांझे को सींगों पर घिस घिस कर उन्हें जड़ सहित काट देता है। वैसे इस प्रोसेस से सींगों को काटते वक्त गायों को भारी दर्द का सामना करना पड़ता है, मगर ये साइड वर्कर किसी भी जानवर के सामने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देते और बिना किसी हिचकिचाहट के इस काम को अंजाम दे देते हैं। स्लॉटरिंग मशीन। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में तो बड़ी ही शक्ति से गौ हत्या पर पाबंदी लगा दी गई है, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि भारतीय संस्कृति में गौ माता को किसी आम जानवर से बेहद ज्यादा बढ़कर और काफी पवित्र माना जाता है। मगर फॉरेन कंट्री में लोग बीफ यानी कि गाय के मांस खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जी हाँ, ये लोग पॉक से विकोन्स और बीफ हिम्स को खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और अपने इसी शौक के लिए इन लोगों ने ऑटोमेटिक स्लॉटरिंग मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन के बनने से पहले एक एक करके बुचड़खानों में गायों को कत्ल करना पड़ता था, मगर इस मशीन की मदद से अब इन गाय को सिर्फ स्लॉटरिंग फ्रेम के बीच डालकर खड़ा कर दिया जाता है, जिसके बाद ऑटोमेटिक ये मशीन बड़ी ही बेरहमी के साथ गाय की हत्या कर देती है। और जब इस तरह से गाय को मारा जाता है ना, तो उनके शरीर को जंजीर से बांध कर इस ब्लीडिंग लाइन कन्वेयर से गुजारा जाता है, जिससे कि गाय के शरीर में मौजूद सारा खून नीचे चल रही कन्वेयर बेल्ट पर जमा हो जाता है, और उसके बाद इन सभी गाय के शवों को ये मशीन मीट फैक्ट्री में ले जाकर प्रोसेस करती है। वैसे साथियों, इस प्रोसेस को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ विदेशी टेक्निक के बारे में बताना था, ना कि इनसे गौ हत्या को प्रोत्साहन करना था। इसे दिखाने में हमें काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस वीडियो के प्रति, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए शुक्रिया।